यहाँ दे दी गई थी फांसी। आज भी वो आत्माएं भटक रही हैं, आज भी वो आत्माएं, कभी कभी एहसास होता है लोगों को कि यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। अंग्रेजों के जमाने की अभूतही हवेली जहाँ बैठता था जज, बैठ करके और फैसले सुनाता था, बताता था फला फला को फांसी दे दो, पेड़ में लटका दो। 12-12 लोगों को यहीं से आदेश पारित किया था मजिस्ट्रेट ने और दी गई थी फांसी। पीपल के पेड़ में लटकाकर रात भर झूलती रही थी लाशें, यह अभिशप्त पीपल। और आज भी यह गवाह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में चौरी चौरा कांड के बाद जिस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था, उसकी चिंगारी गाजीपुर में भी आई थी। यह है हवेली जहाँ बैठ करके दिया गया था आदेश, जिसे आप देख रहे हैं। इसे बंगला भी कहा जाता है, हवेली भी कहा जाता है। यहाँ अगल बगल कोई भीतर जाना नहीं चाहता। बताते हैं कुछ आवाज़ें भी आती हैं, साए साए की आवाज़, और लोगों को लगता है वह आत्माएं जिन्हें उन नौजवानों को रात भर झूलते रहे आज़ादी के परवाने, सुबह दहशत हुई और गाँव छोड़ करके लोग भग गए थे। आप यह देख रहे हैं, यहाँ अंग्रेजों के जमाने में यहाँ लगती थी अदालत और 12 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। यही वह हवेली है जिसे भूतही हवेली, अभिशप्त हवेली के रूप से में जाना जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ अगल बगल कोई भीतर जाना नहीं चाहता। बताते हैं कुछ आवाज़ें भी आती हैं, साए साए की आवाज़, और लोगों को लगता है वह आत्माएँ जिन्हें उन नौजवानों को, आज़ादी के परवानों को, जिस पीपल के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकाया गया था, उस पीपल से हम 50 मीटर की दूरी पर हैं, हम वहाँ भी चलेंगे। उसके पहले आप यह देख रहे हैं, 100 साल पहले, यानी जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन छेड़ा गया था, जिसका अंत हुआ था चौरी चौरा में, हम भीतर चलते हैं। असहयोग आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, आइए भीतर हमारे साथ बनिए। यह हवेली है, यह अभिशप्त हवेली, यह भूतही हवेली, यह ऐसी हवेली जो इस गांव के और अगल बगल के लोगों को इसी हवेली में बैठ करके मजिस्ट्रेट ने न केवल फांसी का आदेश दिया था, बल्कि यहाँ से ठीक 50 मीटर दूर उन्हें पीपल के पेड़ की डालों से बांध कर लटका दिया गया था। रात भर झूलते रहे आज़ादी के परवाने, सुबह दहशत हुई और गांव छोड़ करके लोग भग गए थे। आप यह देख रहे हैं, यहाँ अभी तक यह हवेली बता रही है, चिल्ला चिल्ला करके बता रही है कि किस तरह से असहयोग आंदोलन में गाजीपुर की भी महती भूमिका रही है। आप इस बात से अवगत हैं, हम चलते हैं उस गेट के पास जहां अधिकारियों को भी आना होता था, तो वहां दरवान खड़ा रहता था, वह बताता था कि हुजूर फला अधिकारी आए हैं, हुजूर का आदेश होता था, यहां घोड़ा रहता था, यहां हाथी रहती थी, यहां सैनिक रहते थे और यहां लगती थी अदालत। मजिस्ट्रेट कौन था, जज कौन था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब हम एक बार बाहर से इसे दिखाते हुए और बढ़ रहे हैं आगे। यह आगे पोल लगे हुए हैं और इस पर ये आप देख रहे हैं साखू का, यह लकड़ी का है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, सड़ने में भी 100 साल लगते हैं, यानी 300 साल की उम्र। आइए दोस्तों हम चलते हैं उस गेट के पास और फिर पीपल के पास, जहां 100 साल पहले आज़ादी के दीवानों को उस डाल में फांसी का फंदा लगा करके लटका दिया गया था। यह रास्ता है और इस रास्ते से चलते हुए हम उस गेट के पास पहुंच रहे हैं। यह कोल्हू जिसमें गन्ने की पेराई होती थी, और यह सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं रहा, जगह जगह कोल्हू आपको दिख पड़ेंगे। बहुत से लोगों ने मांग किया, यह है भदैला गांव, गाजीपुर जनपद का भदैला गांव, सैदपुर तहसील है, सैदपुर विकास खंड है और खानपुर थाना है जहां का यह भदैला गांव। हम गेट के पास पहुंच रहे हैं,
थाना सैदपुर है, खानपुर और सैदपुर का बॉर्डर है। यह गेट है, गेट के दोनों पाए अभी भी हैं, यह काफ़ी जर्जर हो गया है। जिन ईंटों को आप देख रहे हैं हाथ से पाथी हुई ईंटें हैं, कोई साँचा इसका नहीं होता था, बाद में इसे कुछ ठीक किया गया होगा, लेकिन अब यह गिरने के कगार पर है। ऊपर आप जो देख रहे हैं एक कंगूरा लगाया गया है, उसमें आप देख रहे हैं गिट्टी है और पत्थर का है, बाद में सीमेंट से उसको उसका लेपन किया गया है। दोस्तों अब उस पीपल के पास हम चलते हैं, सांसें थाम कर रहिएगा। अभी भी 100 साल पहले वाला पीपल, यानी उस समय जवान रहा होगा, तब भी उसकी उम्र 50 साल रही होगी, लगभग 150-200 साल पहले का वह पीपल जिसकी डाल में फांसी दी गई थी, उस स्थल पर हम चलते हैं। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी की यह कविता आज मेरे जेहन में आ रही है, और अंत में पुष्प की अभिलाषा में कवि का जो भाव है उसे उद्धृत करते हुए मैं बता रहा हूं। अंत में कह रहा है कवि का कहना है, मुझे तोड़ लेना बन माली, मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब उस पीपल के वृक्ष के पास मैं आ गया हूं, कुछ लोगों से मैं बात भी करूंगा यहां। बताएं सर अपना शुभ नाम। शिवाजी मिश्रा। क्या यहाँ की कहानी है? यहाँ की कहानी हम लोग सुने, हमारा तो घर यहाँ से दूर है सिधौना में जी, लेकिन हम लोग सुने हैं कि यहाँ पर भदैला पांडे जी के नाम से मशहूर थे, 52 गांव की जमींदारी थी। हाँ। और उनकी हुकूमत चलती थी अंग्रेजों के ज़माने में। हाँ। और यहाँ पर DM भी आते थे तो बिना उनकी परमिशन के गेट के अंदर नहीं जाते थे। यहाँ पर बड़े से बड़े कोई भी अधिकारी आते थे, कोई भी आता था बिना उनकी परमिशन के अंदर नहीं आ पाता था। हाँ, हाँ। तो हाँ, यह जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं सामने है जी, इसी पेड़ पर 12 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी जी, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, हरिजन, हरिजन, कुशवाहा, यादव, यह सभी जाति के कुछ पुराने लोग हमारे बीच आ गए। आइए, नमस्कार, आइए, अरिया छाया में आइए। क्या नाम है आपका? रामकिरित। रामकिरित जी, ये क्या हुए पेड़ के क्या मामला है? ये मामला सर जनतन हम जौन है, हम जौन है तन कहना कि जानत है कि फांसी पर लगा ले, लेकिन हम देखले ना है सर। वो समय जन्मे न रहे तो देखवा। हाँ, वह बात है सर, फांसी लगल है। हाँ, फांसी एक हल्ला करा ला सबके, यही पर फांसी लगल है, यही पर फांसी लगल है ना, यह सुनी ला हम। और हम और जो नतन का ना कि और हम हमारे सामने ना कुछ वे एक दर्जन लोग आइए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कोई बात नहीं, पूछते रहिए, वो तो हमारे चाहते हैं, वो बताएंगे। अच्छा, वे एक दर्जन लोग, एक दर्जन लोग, एक दर्जन हुतात्माएं आज भी इस बात के लिए चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि किस प्रकार देश को आज़ाद कराने के लिए हमारी कुर्बानियां हुई थी और जो हम चाहते थे वह नहीं हो पाया। ये पीपल का डार कब टूटल है? पीपल के डाल आज 8 साल करीब हो गए, 8 साल हो गया। हाँ। उसी में दी जाती थी फांसी, हाँ, बताया गया था। तो वो पांडे जी थे मजिस्ट्रेट, जज साहब। हाँ, हाँ, गांव के ही। हाँ, जमींदार थे। हाँ। पांडे जी जमींदार थे और उनको अंग्रेजों ने अधिकृत किया था, इसके आधार पर उन्होंने फांसी की सजा दिया। इधर एक खूबसूरत पोखरा देख रहे हैं, इस पोखरे में इसका भी है, मछलियां रहती थी और उनके शान शौकत में पोखरा और अशोक के वृक्ष और यहाँ बाग बगीचा। लोग बताते थे कि सोने की नथिया पहना के मछली छोड़े थे, मछली छोड़ी जाती थी जी, बाग बगीचा भी था सब। हाँ, बाग बगीचा सब, बाग बगीचा, यही बगीचा रहा सर। हाँ, सब है, सब बगीचा रहा जी, बगीचा रहा, कुछ सब बगीचा रहा। और ये तो मतलब पानी जी में उनका पोखरा रहा, लेकिन अब गांव समाज हो गए, अब गांव समाज हो गए। हाँ, हाँ जी। तो दोस्तों आज भी लोगों ने मांग किया है कि इसे संरक्षित किया जाए, और यहाँ संरक्षित करने का मतलब यह अभिशप्त पीपल है, ऑक्सीजन जो पीपल देता था उसी पीपल की डाल में लटका करके जान भी लिया गया था। तो दोस्तों इस जगह को
एक तरह से जानना चाहिए, हमारे लोगों को आना चाहिए। और बार बार मांग होती रही इस स्थल के बारे में कि उन सेनानियों के की स्मृति में कोई इस तरह का कोई बड़ा सा आयोजन हो और उनकी आत्मा को शांति प्रदान किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दोस्तों, मैं हूँ गाजीपुर के भदैला गांव में, जो सैदपुर विकासखंड का यह गांव है, जहाँ आकर के यहाँ विनम्रता के साथ मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और गांव की मांग को एक बार फिर से शासन प्रशासन स्तर पर ले जाता हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। बहुत बहुत धन्यवाद।